हाय वेलकम टू ऑल राउंडर संघु। आज देखिए आप लोगों के सामने मैं कौन सा रेसिपी लेके आई हूँ। आज है प्रॉन, मगर प्रॉन से मैं दूसरा कुछ बनाने वाली हूँ। आज प्रॉन से मैं बनाऊंगी दही प्रॉन। तो ये दही प्रॉन कैसे बनता है मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए ये वीडियो लेके आ रही हूँ। मैं देखिए प्रॉन को पहले नमक हल्दी लगा के अच्छा सा रख दिया था, तो इसको अभी हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस जला लिया। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल गरम हो रहा है। अभी गरम ऑयल में ये जो प्रॉन है प्रॉन को हम छोड़ देंगे। देखिए ऐसा ऐसा करके सारे प्रॉन को आप छोड़ दीजिए। और प्रॉन जो फ्राई कीजिएगा प्रॉन को ज्यादा फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि प्रॉन को ज्यादा फ्राई करने से ना ये हार्ड हो जाता है, इसलिए प्रॉन को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं जैसे दिखाते जा रही हूँ आप लोग ऐसा करते जाइए। ऐसा प्रॉन लीजिए, प्रॉन को आज मैं बनाने वाली हूँ दही प्रॉन। तो ये दही प्रॉन जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनाइए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो इसलिए आप लोग भी ये जैसे बनाइए। देखिए मेरे पास जितना भी प्रॉन था सारा प्रॉन को हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी इसको फ्राई करने के लिए जो ऑयल चारों तरफ लगे ऐसा करके थोड़ा सा हमने हिला दिया, ऐसा करके अभी ये प्रॉन को देखिए एक तरफ हो गया ना रेड रेड, ऐसा करके सबको पलट दीजिए, मैंने दूसरा तरफ भी थोड़ा सा फ्राई होना चाहिए। दूसरा तरफ को भी आप फ्राई कर लीजिए। देखिए ना अच्छा है ना, तो ये प्रॉन को फ्राई करके ये फ्राई को आप लोग उस तरफ भी हो जाए तो इसको उठा लीजिए। देखिए हम देख रहे हैं दोनों तरफ हो गए है ना, देखिए दोनों तरफ हो गए। अभी गैस को थोड़ा सा मैंने धीमा कर दिया करके सारे प्रॉन को रख दीजिए। बहुत बड़ा बड़ा प्रॉन है, आप कोई भी प्रॉन से बना सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो आपके पास जैसे भी प्रॉन है उस प्रॉन से बना। देखिए ये सारे प्रॉन फ्राई हो चुका है। अभी दही प्रॉन बनाने के लिए मैं जो करूंगी वो मैं दिखाऊंगी। देखिए यही ऑयल में एक तेज पत्ता दे दीजिए। ठीक है, तेज पत्ता देने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे प्याज को पीस के रखे, ऑनियन इसको दो चम्मच अब दे दीजिए, एक चम्मच दो चम्मच चाहिए तो और थोड़ा दे सकते हैं, मैंने दो चम्मच पूरा भर के दे दिया। देने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए। अभी इसमें हम देखिए यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन दोनों को एक साथ पीस के रखे हैं, ये भी आप देख लीजिए अदरक एंड लहसुन एक चम्मच देन दो चम्मच। ठीक है, तो प्याज भी दिया, अदरक लहसुन दो चम्मच इसलिए दिया क्योंकि अदरक और लहसुन दोनों तो दोनों होने के कारण हमने एक एक चम्मच करके दोनों दे दिया। देने के बाद यहाँ पे अभी मैं जो जो मसाला दूंगी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दूंगी देखिए आधा चम्मच हल्दी, देखिए आधा चम्मच और
आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मिर्ची। तो हल्दी और मिर्ची मैंने दे दिया। इसमें हल्दी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद यहाँ पे नमक दीजिए। नमक भी कितना दीजिएगा, इतना सा प्रॉन है इस हिसाब से अब नमक दीजिएगा। मैं आधा से थोड़ा सा कम दे दूँ। अभी इसको अच्छा से जब तक ना ऑयल निकल आए तब तक इसको खाइए। क्योंकि ऑयल जब निकल आएगा तब आपको पता चलेगा जो ये मसाला फ्राई सही तरीके से हो गया है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी देंगे, थोड़ा, क्योंकि मसाला को जलने मत देना। थोड़ा पानी देके इसको अच्छा से फ्राई करना। तो इससे जब तक ऑयल ना छोड़ जाए तब तक इसको फ्राई करना पड़ेगा। देखिए मसाला से ऑयल छोड़ चुका है, दिख रहे हैं ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें देखिए थोड़ा सा गरम मसाला दे दीजिए, थोड़ा सा चीनी, मीठा थोड़ा सा चीनी भी इसमें दे दीजिए, और दही, और इसमें दही देना चाहिए। दही कितना दीजिएगा, देखिए मैं दे रही हूँ 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच टीस्पून, ठीक है। इसमें अच्छा से मिला, इसको धीरे धीरे ऐसा मिलाते जाइए। जब तक ना इससे ऑयल छोड़, देखिए यहाँ पे हमने दही दे दिया। अभी तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसमें से ऑयल ना छोड़ जाए, है ना। तो ऑयल छोड़ने के लिए इसको हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए ऑयल छोड़ रहे हैं, है ना, ठीक है, ऑयल छोड़ रहे हैं। अभी जितना भी प्रॉन है ये सारे प्रॉन इसमें डाल, ये मैं दही प्रॉन बना रही हूँ। तो इसको अच्छा से मिला लीजिए। देखिए मसाला को कभी जलाइएगा नहीं, उसमें आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पानी देके उसको कीजिएगा। अभी इसमें थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिला लो। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हरी मिर्च है थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे। ये आप ना भी दे सकते हो, ठीक है, मगर मैं थोड़ा सा दूंगी क्योंकि इसमें अच्छा सा टेस्ट होगा। और एक चीज दूंगी मैं, वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और दूंगी इसमें देखिए 1 चम्मच घी, देखिए 1 चम्मच घी दे दिया। इसको अच्छा से मिला लिया, बस थोड़ा उबल जाएगा ना तो आपको बन जाएगा दही प्रॉन। क्या बनाई हूँ आज मैं, थोड़ा सा ढक दीजिए, मेरा बन गया दही प्रॉन।
थोड़ी के बाद मैं दिखाऊंगी मेरा दही प्रॉन कैसे बना। देखिए मेरा दही प्रॉन बन गया, कितना अच्छा कलर आया देखा। इसको अभी हम प्लेट में सर्व करेंगे। गैस को बंद कर दीजिए और इसको प्लेट में सर्व कीजिए। मैं दिखा रही हूँ कैसे बना मेरा दही प्रॉन, देखा नमस्त। बहुत अच्छा ये दही प्रॉन बहुत टेस्टी बनता है। किसी को भी खिलाइए, गैस को खिलाइए, आप लोग खुद खाइए ये दही प्रॉन गरम गरम चावल के साथ आप लोग लीजिए। देखिए ये है आज की दही प्रॉन। देखिए कैसा लगा आप लोगों का दही प्रॉन। ये दही प्रॉन बनाने के लिए जो जो मसाला चाहिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए चाहिए एक तेज पत्ता, यहाँ पे अदरक, ये प्याज का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची, दही और थोड़ा सा चीनी और एक चम्मच घी ये दीजिएगा। बस मेरा ऐसा बन गया यहाँ पे आपका दही प्रॉन। तो आप लोग अगर ये दही प्रॉन का रेसिपी अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय।